नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं आपके साथ। मैं हूं विद्यानाथ झा। लगातार हम आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट कर रहे हैं और भागदौड़ की जिंदगी में आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं न्यूज़15। आज भुवनेश्वर में बीजेपी की दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत करीब 400 सदस्य पहुंचेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद बैठक स्थल जाएंगे। शाम 5 बजे औपचारिक उद्घाटन होगा। बैठक में नहीं जाएंगी सुषमा स्वराज, बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए जाएंगे 2 प्रस्ताव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुबह 11 बजे से बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक। पीएम मोदी कल सुबह भगवान लिंगराज मंदिर जाएंगे, मंदिर में मौजूद सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। कल होगा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन। शाम 5 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पूर्व सीएम करीब 1000 वोटों से आगे। बिहार की सीतामढ़ी में जेल वैन और ट्रक की टक्कर, हादसे में 7 पुलिसकर्मी और 1 कैदी की मौत। हादसे में 10 पुलिस वाले और 1 कैदी घायल, मुजफ्फरपुर में चल रहा इलाज, पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कैदी को। सीतामढ़ी से आए पुलिसकर्मियों ने SKMCH अस्पताल में डॉक्टरों के साथ की मारपीट, अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर, भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। उत्तर प्रदेश के रामपुर में राज्य रानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, मेरठ से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। कुलभूषण जाधव का सामने आया पाकिस्तान का झूठ, बताया जाधव के पास थे 2 पासपोर्ट। सरताज अजीज ने मीडिया को जारी की चार्जशीट। सरताज अजीज ने कहा 40 दिन के भीतर मिलिट्री कोर्ट जा सकता है कुलभूषण। सरताज अजीज दिसंबर 2016 में जासूसी के सबूतों से कर चुके थे इनका। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कश्मीर जैसे कई अहम मुद्दों पर दबाव की वजह से छोड़ा रक्षा मंत्री का पद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती अभियान, 200 पदों के लिए 5000 उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक, 3 तलाक और बाबरी मस्जिद मसले में चर्चा होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली का बयान, कहा ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की चिंताओं का होगा जिक्र और होगी बातचीत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा न्यायपालिका को पर्सनल लॉ पर अपनी राय पर फिर से विचार करने की जरूरत। गाजियाबाद के लोनी में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों का जमकर हंगामा, लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नोएडा में सवारी कार के ड्राइवर की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, बाइक सवार को काफी दूर तक खसीटता हुआ ले गया था और हो गया था फरार। कार पर हिंदू युवा वाहिनी पर लगा था पोस्टर। दिल्ली में मलेशिया के पुजारी सत्यवान मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बिहार के किशनगंज से पकड़ा गया अब्दुल हक, मृतक का मोबाइल बरामद। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव 2 महीने टालने की मांग की है, केजरीवाल ने कहा वीवीपैट वाली ईवीएम से ही चुनाव कराए जाने चाहिए। इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में लगाई गई वेस्ट मशीन, प्लास्टिक और कांच की बोतल, टिन कैन डालने पर मिलेंगे पैसे। मुंबई सेंट्रल रेलवे रूट पर पटरी पर लोहा रखने वाले 5 आरोपी पकड़े गए हैं, 24 जनवरी को ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया था बड़ा हादसा। माउंट आबू के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने दूसरे दिन भी लगातार कोशिशें जारी रखी, एयरफोर्स ने लगाए अतिरिक्त विमान। पटना सेक्स रैकेट मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम ने डीएसपी ममता कल्याणी की छुट्टी कर दी है, ममता कल्याणी की जांच रिपोर्ट में ही कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे का नाम सामने आया। एमपी के सागर में तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग के साथ तांत्रिक ने किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में पुलिस ने पकड़ी नशीली दवाइयों की बड़ी खेप, गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भोपाल में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, 2000 और 100 के 2 लाख से ज्यादा रुपए के नकली नोट बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में मुगलसराय जीआरपी ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 बदमाश नकदी और जेवर समेत गिरफ्तार कर लिए गए। पंजाब के मोगा में पुलिस की गुंडागर्दी, 40 पुलिसकर्मियों ने महिला से घर जाकर की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को ठहराया बेबुनियाद। बरेली में पिस्टल के साथ सट्टेबाजी करता हुआ शख्स गिरफ्तार, नकदी, डायरी और मोबाइल भी बरामद। साहिबाबाद में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने का आरोप, पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। औरैया में हाईवे पर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा, गिरोह का सरगना समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, ससुराल वालों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। पंजाब के हमीरपुर में हत्या और लूट में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार,
सोने चांदी के जेवर समेत नकदी बरामद। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीजेपी विधायक पर टोल कर्मचारी से मारपीट का आरोप, टोल बूथ पर रोके जाने से नाराज थे गोविंद वर्मा। श्रीनगर के युवाओं ने बैडमिंटन से हो रहा है खास लोकप्रियता का जायजा लिया, राज्य के युवा कई चैंपियनशिप में जीत चुके हैं मेडल। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में पेड़ बचाने के लिए कैंडल मार्च, पीडब्ल्यूडी विभाग पर पेड़ काटने का लगा आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चोरी की बंदूक भेजकर धमकी देने वाला गिरफ्तार। विस्कॉन्सिन में किसान से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा था आरोपी। अफगानिस्तान में अमेरिका के महाबम हमले में आईएसआईएस के 80 आतंकी ढेर, कल अमेरिका ने किया था 36 आतंकियों के मारे जाने का दावा। आईएसआईएस का दावा, अमेरिकी हमले में नहीं मारा गया कोई आतंकी, अमेरिका ने जारी किया हमले का वीडियो। ईरानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रोहानी ने भी भरा पर्चा, बोले दूसरी बार ईरान की शांति और विकास के लिए काम करना चाहता हूं, 19 मई को है चुनाव। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम टू संग के 105वें जन्मदिन पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच दिखाई ताकत। रूसी विदेश मामलों की कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को नहीं अमेरिका को बताया विश्व शांति के लिए खतरा, रूस और चीन की सलाह मानने को कहा। चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कभी भी हो सकती है अमेरिका नॉर्थ कोरिया में जंग, जंग में किसी की जीत नहीं होगी। लास वेगास के मशहूर बेलाजियो होटल में आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अटलांटा में वेस्ट लेक ट्रेन स्टेशन में फायरिंग, हमले में 4 लोग घायल, हमलावर गिरफ्तार। पुराने मोसुल में आईएसआईएस और सेना में जंग जारी, अभी भी इलाके में 4 लाख लोग फंसे हुए। स्पेन के सिविल में ईस्टर सेलिब्रेशन में भगदड़ में 30 लोग घायल हो गए, अफरा तफरी मचाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया।